हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब हमें किसी बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो नंबर किससे कटेगा, जिसकी वजह से हम लाइन वाइज 2 से 3 से सबसे डिवाइड करके देखते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि वो नंबर 8 से कटेगा। सो हमको बहुत ज़्यादा स्टेप करने पड़ जाते हैं। हम 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, देन ऐसे करते करते 8 पर जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये नंबर 8 से कटेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी चेक ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 2, 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 इनसे इन नंबरों से कटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि 2 से कैसे पता करें कि कोई नंबर डिवाइड होगा। तो 2 का बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, अगर आपको पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो उसके उस नंबर के एंड में अगर 2, 4, 6, 8 या फिर आपको 0 मिले तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 16। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 16 के एंड में आपके आ रहा है 6 और 6 आपके इन नंबर में है, तो इस जो 16 है वो 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपका था फ्रेंड छोटा नंबर। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिखता हूँ, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ लिख दिया आपका 132। तो फ्रेंड्स आपको अगर पता करना है कि ये 132 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होने का मतलब फ्रेंड्स पूरा कम्प्लीटली डिवाइड, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इसके एंड में भी 2 आ रहा है एंड 2 हमारा यहाँ पर है, तो फ्रेंड ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 2 6 12 एंड 1 कैरी 2 6 12। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे आपने पता कर लिया कि कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा। हमको देखना है अगर किसी भी नंबर के एंड में ये नंबर आपको मिलते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 0 तो वो नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 से डिविजिबिलिटी का चेक बता दिया कि अगर किसी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 एंड 0 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं कि कोई भी नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा। 3 का थोड़ा स्टेप 2 से अलग है, तो 3 में हम कैसे देख सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसके लिए हमको देखना सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब फ्रेंड्स अगर सम ऑफ नंबर 2, 3 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मेरे को देखना है 512 512 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करना है 5 + 1 + 2। तो हमारा ये जो आएगा ये आएगा 5, 7 और ये आएगा हमारा 8। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता कि जो 8 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब फ्रेंड 512 जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 63। अगर हमें फ्रेंड्स पता करना है कि 63 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इन दो नंबर को प्लस करना होगा जितने भी नंबर हैं। तो फ्रेंड मैंने 6 + 3 कर दिया, तो 6 + 3 क्या आया हमारा 9। तो फ्रेंड्स जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली 3 टाइम्स में, तो फ्रेंड्स 63 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक बता दें कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा। सो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि 3 का कैसे था। 3 के लिए आपको जो भी नंबर आपको देखना कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उस नंबर को जैसे मेरे को यहाँ 512 देखना था, तो मैं 512 में जितने भी नंबर है उनको आपस में ऐड करूँगा। अगर वो ऐड करने के बाद जो नंबर है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट फ्रेंड हमने देखा यहाँ पे जब मैंने इनको ऐड करा तो 8 है और 8 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, पॉइंट में नहीं फ्रेंड्स कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स 512 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 का क्या फंडा है, 4 का हम कैसे देख सकते हैं कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो फ्रेंड 4 के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट नंबर। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने यहाँ लिख दिया मैंने फ्रेंड 128। अब हमको बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स हमको बैक साइड से पीछे से हमें 2 डिजिट लेनी है, जैसे मैंने यहाँ 2 डिजिट ले ली 28 हो गया। अगर 28 बैक साइड से लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड कम्प्लीटली होती है तो इसका मतलब वो जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। बताता हूँ फ्रेंड्स कैसे, यहाँ की लास्ट 2 डिजिट है 28 एंड हमको पता है कि जो 28 है वो 4 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली 7 टाइम में। सो फ्रेंड इसका मतलब जो आपका 128 है वो भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप फ्रेंड डिवाइड करके भी देख सकते हैं 4 3 12 एंड 4 2 20। सो फ्रेंड देखा आपने कैसे कि हमने पता कर लिया कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा।
एक बार फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ फोर का डिविजिबिलिटी चेक। फोर के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट टू डिजिट नंबर लेना है, अगर वो लास्ट टू डिजिट नंबर फोर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि वो गिवन नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 136। अब आपको बताना है कि 136 फोर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बैक साइड से लास्ट टू डिजिट नंबर देखना है, अगर वो फोर से डिवाइड होता है तो वो गिवन नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड लास्ट टू डिजिट नंबर जो है वो है 36, एंड 36 फ्रेंड हम जानते हैं 9 times में डिवाइड हो जाएगा फोर से। तो फ्रेंड जो 136 है वो भी 4 times से इजिली डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12 एंड 1 carry 4 4 16। सो फ्रेंड्स आपने देखा हमने कैसे 4 का भी डिविजिबिलिटी चेक एकदम ईजी वे में देख लिया। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 का। तो फ्रेंड्स 5 का बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बस आपको देखना है अगर कोई नंबर एंड विद 5 या फिर 0, अगर कोई भी नंबर 5 से या फिर 0 से एंड होता है तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 225 लिख दिया, ये देख रहे होंगे आप फ्रेंड ये 5 से एंड हो रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 220, सो फ्रेंड ये 0 से एंड हो रहा है तो ये नंबर भी 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 3 4 5 सभी की मैंने आपको डिविजिबिलिटी चेक बता दिया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स 2 के लिए आपको क्या देखना है, अगर कोई भी नंबर 2 4 6 8 या फिर 0 से एंड होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एंड 3 के लिए आपको क्या करना है, अगर सम ऑफ नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एंड 4 का क्या है, अगर लास्ट टू डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होती है तो वो जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और ये लास्ट टू डिजिट हमको बैक साइड से देखना है। एंड 5 का तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है फ्रेंड, 5 का है अगर कोई नंबर 5 और 0 से एंड होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं मैं और नंबर का भी ऐसी डिविजिबिलिटी चेक लेकर आऊँगी, कैसे आपको पता चले कि बाकी नंबर भी कैसे डिवाइड होते हैं, किससे कौन सा डिवाइड होगा, सो फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।